नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। गंगापुर विधायक व चिकित्सक विवाद को लेकर आईएमए के चिकित्सकों ने एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करने की मांग। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, लेकिन बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की खली कमी। बनेड़ा क्षेत्र में दूसरे दिन भी कोयला भट्टियों पर चला पीला पंजा। विधायक पीतलिया के निर्वाचन क्षेत्र गुड़ला का डाक बंगला बना नशेड़ियों का अड्डा। मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल मोर्चरी में प्रदर्शन। बस हादसे में बनेड़ा के दो युवकों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के दो लोगों को मांडलगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। देशी कट्टा और कार जब्त, दो वाहन छूटे। जिले के छत्रीखेड़ा ग्राम में मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का एक महिला ने प्रयास किया है और उसने काम के स्थान पर दूसरे काम की भी फर्जी हाजिरी भरने और मेट के मौके पर नहीं आने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत की है। इसमें यह भी कहा गया है कि मस्ट रोल में कई ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। छत्रीखेड़ा निवासी चुन्नीलाल रेगर की पत्नी रत्नी ने जिला कलेक्टर के नाम लिखे पत्र में लिखा है कि छत्रीखेड़ा में एनीकट पर मिट्टी फेसवाल कार्य का मस्ट रोल चल रहा है। 24 दिसंबर से शुरू हुआ यह मस्ट रोल 8 जनवरी तक चलेगा। मस्ट रोल की संख्या 24,709 से 24,711 तक है। इसे पूरी तरह फर्जी तरीके से चलाने का आरोप लगाया है। कलेक्टर को लिखे गए पत्र में बताया कि इसी कार्य के निकट कालाजी एनीकट पर मिट्टी का कार्य चल रहा है, जिसमें श्रमिकों को बुलाकर जीपीएस से फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, जबकि दोनों कार्य एक ही गांव में चल रहे हैं। पत्र में महिला मेट की हाजिरी भरने नहीं आने और उनके स्थान पर दो व्यक्तियों हरदेव और देव नारायण गुजर मेट का काम कर रहे हैं। यही नहीं, दोनों पर ज्यादा रेट दिलाने के नाम पर 200 से 300 रुपए की अवैध वसूली करने और नहीं देने पर अगले पखवाड़े के मस्ट्रोल से नाम काट देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि मस्ट्रोल में जिन लोगों के नाम चल रहे हैं उनमें से कुछ तो फैक्ट्री के श्रमिक हैं जो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक फैक्ट्री में काम करते हैं। महिला ने जिला कलेक्टर से इस मामले से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परेशान का कर रखी है, चाले लुगाई तो आ रही है, कसी हेली आ रही है, ये चाले लुगाई आ रही जिन्हें आ रही जिन्हें धूलो ना को धूलो ना को, ये परेशान का कर रखी, ये बात का कर रखी है, हाँ कर रही है, हाँ कर रही है भाई, मान की कर रही है। और फचे वे फोगड़ की भरिया जो वे कुटे काम कर रही है, वाको कटे है, वाको निर्धन कटे है, चाल दिया तो चलाओ ना, कोई मना कर रही है, हाँ तो चलना देखो, मैं चलो मैं देखू चलाओ, हाँ मैं री बात है खाले क्या शिकायत की थी, शिकायत की थी तो खटे की थी, वीडियो बना रहा जी का कारनामा आल तो वीडियो को कहीं किदो ही कोने हूं मैं, केरु अब छोटे दाड़ केरु शिकायत, हां मैं भेड़ू अच्छा तो ये चीज के लागे गोटा फर्जी का नवा भर रिया भागने सो ले भाई, फर्जी हां फर्जी चाल रही तो जाय भी है बे, हां थेने जाय थेनी, फर्जी जाय तो जाय, फर्जी किस क्यों बाकी कहीं क्यों गलत, मैं कहीं क्यों गलत, फर्जी चाल रही हां मैं कह रहा ना चाल पंचायत में मैं चलो चल, हां पंचायत में चला ना, होशियार है बोल रहे फिर वरी का गलत कैसे क्यों आई ना जो अतरा फटफड़ की तो। केरिया मोड़ पर बुधवार शाम वीडियो कोच की चपेट में आए स्कूटी सवार दो नौजवानों की मौत को लेकर गुरुवार सुबह जिला अस्पताल की मोर्चरी पर परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। समझाइश और कंपनी की ओर से 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा के बाद धरना समाप्त हो गया। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। मांडल थाने के दीवान कैलाश प्रजापत ने बताया कि बनेड़ा निवासी युवराज 30 वर्षीय पुत्र लादूलाल कुम्हार और सचित 30 पुत्र राधेश्याम डाको तो स्कूटी पर सवार होकर करड़ा से मांडल की ओर आ रहे थे। केड़िया मोड़ के नजदीक आसीन से अहमदाबाद जा रही आरके विश्वकर्मा की वीडियो कोच बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई थी। दोनों एक निजी फर्म में काम करते थे। गुरुवार सुबह मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर मोर्चरी पर धरना दिया। समझाइश और संबंधित निजी फर्म की ओर से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जा सका। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। संपत माली के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सर ये कल रात को 5:30 से 6 बजे के बीच में आरके विश्वकर्मा ट्रेवल्स से दो युवक जिसमें एक शशिकांत डाकोत जिसका डॉक्यूमेंट्स नाम है शशि कुमार डाकोत और एक युवराज प्रजापत दोनों आ रहे थे अपना कलेक्शन लेके
और प्राइवेट सीसीबी बैंक से, ओसवाल सीसीबी बैंक से ये काम कर रहे थे, वहाँ से कलेक्शन लेके आ रहे थे और वर्किंग टाइम में इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और हमारी ये मांग है परिवारजनों की, दोनों परिवारजनों की, कि 1-1 करोड़ रुपए तो परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए और 1-1 नौकरी दोनों परिवारजनों में दी जाए। और यही हमारी मांग है और हमारी मांग को पूरी की जाए और जो भी उचित कार्रवाई हो वो दोषियों पे की जाए और हमारा हमको न्याय मिले। रिको एरिया में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने व उसके साथ लूट करने का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि शुभम पुत्र कैलाश चंद बाहेती सोनियाणा ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई पुनित बाहेती व उसका साथी आजाद वैष्णव दोनों ही धर्म कांटे पर बैठे थे। इस दौरान एक बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी में रोशन लाल पुत्र छोटू लाल जाट निवासी हलेल भिड़वाड़ा के साथ 6-7 व्यक्ति हाथों में लकड़ियां व धारदार हथियार लेकर उतरे व उसके भाई पुनित के साथ मारपीट करने लगे। बचाव में आए आजाद के साथ भी मारपीट की। जमनालाल तेली की रिपोर्ट। सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया के निर्वाचन क्षेत्र गुड़ला के रणजीत सागर तालाब पर बना डाक बंगला नशेड़ियों का ठिकाना बन गया। नशेड़ी यहां आकर नशा तो करते ही हैं, साथ ही गंदगी भी फैलाते हैं। डाक बंगले के चौकीदार शंकरलाल गुजर ने बताया कि यहां की लोकेशन अच्छी और हरियाली से आकर्षक होने के कारण यहां दिन भर शराबी आते जाते रहते हैं। मना करने के बाद भी वे बास नहीं आते। डाक बंगला ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की लोकेशन अच्छी है, इसी की वजह से यहाँ नशेड़ी आते हैं। रात के समय भी शराबी यहाँ आकर शराब पीते हैं। जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की देखरेख नहीं होने के कारण डाक बंगला नशेड़ी का अड्डा बन गया है। जगह जगह शराब की बोतल पाउच पड़े हैं। लोगों में अब चर्चा है कि विधायक जी की नजर इधर भी पड़ जाए तो डाक बंगला सुधर सकता है और शराबियों से मुक्त भी हो सकता है। सहाड़ा के विधायक लादूलाल पीतलिया द्वारा गंगापुर के चिकित्सक के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के विरोध में आईएमए ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल को ज्ञापन दिया। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस सोमानी ने कहा कि 25 दिसंबर को सहाड़ा के विधायक पीतलिया ने राजकीय चिकित्सालय गंगापुर का निरीक्षण करने के दौरान प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौर्य के साथ दुर्व्यवहार एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया जो निंदनीय है। इससे चिकित्सा जगत की भावनाएं आहत हुई है। सभी चिकित्सकों ने इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे जनप्रतिनिधियों को इस तरह के अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करने की हिदायत दें। चिकित्सकों ने इस मांग को लेकर आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने गुरुवार को एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। इस मामले में डॉक्टर मौर्य का कहना है कि वहां की समस्याओं को लेकर विधायक अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन उन्होंने मुझे बोलने से मना कर दिया। मौर्य ने कहा कि विधायक पीतलिया ने जो भी आरोप लगाए हैं वे निराधार और तथ्यहीन है। एक्सरे बाहर कराने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि अस्पताल में एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट हैं जो अस्पताल समय के बाद चले जाते हैं, इमरजेंसी के दौरान बाहर से एक्सरे करवाया जाता है। मौर्य ने कहा कि उन्होंने दवाइयों के लिए किसी भी मरीज को बाहर से लाने को नहीं कहा। जिन चिकित्सक की शिकायत है उसके बारे में कभी भी विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि ने लिखित में शिकायत नहीं की है, अगर शिकायत होती तो हम उसकी जांच करवाते। इस मौके पर आईएमए राजस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर रेखा शर्मा, डॉक्टर अतुल हेड़ा, डॉक्टर कृष्णा हेड़ा, डॉक्टर सुनील मित्तल, डॉक्टर आर एस सोमानी, प्रशांत आगाल, डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर सीपी पारी, डॉक्टर पंकज इनानी, डॉक्टर पंकज अग्रवाल आदि उपस्थित थे। प्रेम गढ़वाल की रिपोर्ट। दिनांक 25/12 को गंगापुर सीएससी पर वहां के स्थानीय विधायक श्रीमान लादूलाल जी पीतलिया द्वारा हमारे चिकित्सक इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र मौर्य एवं अन्य चिकित्सकों के साथ अमर्यादित भाषा व अशोभनीय व्यवहार किया गया। हम सभी भीलवाड़ा जिले के चिकित्सक उनके इस व्यवहार के कारण से आहत हुए हैं और उसी के विरोध के स्वरूप हम श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिलाधीश महोदय के द्वारा आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांग है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय साहब से? हमने आग्रह किया है कि उनके निर्देशन में जो भी जनप्रतिनिधि व विधायक हैं या चाहे ऑफिसर्स हो, सभी विभाग के कर्मचारियों और स्पेशली चिकित्सक और चिकित्सा समुदाय के कर्मचारियों के प्रति सभी का मर्यादित और शोभनीय व्यवहार रहे तथा बोलचाल की भाषा में भी मर्यादित व्यवहार रहे। राजेंद्र कुमार मौर्य, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय चिकित्सालय सामुदायिक चिकित्सालय गंगापुर पदस्थापित हूँ और 25 दिसंबर को
स्थानीय माननीय विधायक श्री लादूलाल जी पितलिया साहब पधारे थे और उन्होंने निरीक्षण के दौरान हमें कुछ कमियां बताते हुए जो अमर्यादित भाषा और अशोभनीय भाषा का जो प्रयोग किया था उससे हम सभी चिकित्सक और अस्पताल में कर्मचारी जो थे बहुत व्यथित हुए। मैं जैसे एक तो सार्वजनिक रूप से जो प्रताड़ित किया ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरा जो है अमर्यादित भाषा जो उन्होंने ये तो आपने पहले सुन ही लिया होगा। तो हमारा ये मुख्यमंत्री सर से जो है ये है कि इस तरीके की जो भाषा है या तो प्रयोग की नहीं जानी चाहिए या फिर एक डेकोरम होना चाहिए मीटिंग का उस तरीके से मीटिंग में। शाहपुरा जिले की बनेड़ा तहसील क्षेत्र में दूसरे दिन गुरुवार को भी बुलडोजर की गूंज सुनाई थी। आज घटा पंचायत के भटेड़ा गांव में बुलडोजर ने कई कोयला भट्टियों को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई अभी जारी है। नायब तहसीलदार गोपाल लाल जिंगर ने बताया कि अवैध कोयला भट्टियों को नष्ट करने को लेकर चलाया गया अभियान आज भी जारी है। आज घटा पंचायत के भटेड़ा गांव क्षेत्र में ये कार्रवाई चल रही है। यहां करीब 50 से 60 अवैध कोयला भट्टियां हैं जिनको तोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम नेहा छिपा, तहसीलदार गोपाल जिंगर, बनेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के साथ ही पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाप्ता मौजूद है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को अभियान के पहले ही दिन तीन पंचायतों में लगभग 250 अवैध भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज, भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन, अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप, व्हाट्सएप, एक्स, कू, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कांग्रेस ने गुरुवार को अपना स्थापना दिवस मनाया, लेकिन स्थापना दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता और हाल ही में चुनाव लड़ने वाला कोई भी प्रत्याशी दिखाई नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इस बड़े कार्यक्रम में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बेरुखी दिखी। कांग्रेस कार्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास, नगर परिषद की पूर्व सभापति मधु जाजी और मंजू पोखरना के साथ ही एडवोकेट सुरेश श्रीमाली, अनिल राठी के साथ ही गिनती के कुछ कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के स्वर्णिम काल की चर्चा और लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों पर भी जोर दिया गया, लेकिन इस बात की भी खासी चर्चा रही कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कोई बड़ा नेता और हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, टिकट मांगने वाले दावेदार नजर नहीं आए। इसे लेकर यह चर्चा भी रही कि चुनाव से पहले टिकट मांगने वाले और उनके समर्थकों की भीड़ से कांग्रेस कार्यालय सरोबार रहा, लेकिन आज स्थापना दिवस जैसे समारोह में नगर परिषद वार्ड जितने लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। विजय गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से अपराध के इरादे से आए दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि चार अन्य लोग भाग छूटे। पकड़े गए लोगों से पुलिस ने देशी कट्टा, कटर, गिलोल व कार जब्त की है। पुलिस का कहना है कि इन बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, इनसे कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। माणलगढ़ पुलिस के अनुसार थाना प्रभारी गणेशाराम बीती रात गश्त पर थे। इस दौरान माणलगढ़ में पुलिस ने मध्य प्रदेश नंबर की एक संदिग्ध कार को रुकवाया। चार लोग भाग गए, जबकि दो लोगों को पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ करने पर इन पकड़े गए आरोपितों ने खुद को मध्य प्रदेश के गुना जिले के राधवगढ़ निवासी जगदीश पुत्र कालीचरण जाटा व दीपक पुत्र श्री कृष्ण बदकारिया बताया। पुलिस को तलाशी लेने पर आरोपितों के कब्जे से एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, कटर, गिलोल व कार जब्त की है। थाना प्रभारी गणेशाराम ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में कई वारदातें खुलने की संभावना है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। माणिकेलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के छठे दिन छात्र छात्राओं ने विरासत संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। इंटेक चैप्टर कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने 175 विद्यार्थियों को हरनी की पहाड़ी व स्मृति वन का भ्रमण कराते हुए इंटेक के उद्देश्य प्राचीन धरोहर स्थलों के संरक्षण एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं व पुरातत्व इमारतों का महत्व बताया।
सात दिवसीय शिविर समन्वयक राजू राम घासी व कार्यक्रम अधिकारी निधि गुप्ता, लक्ष्मण लाल गुजर व सुनील शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम प्रभारी गुमान सिंह पीपाड़ा ने इंटेक संस्था का परिचय दिया। चाजू ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आयोजित विरासत एवं पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधी प्रश्नोत्तरी के विजेताओं विनीता राजपूत, सत्यनारायण भगवान लाल, विशाखड़, अक्षत राठौड़, प्रहलाद जाट, नंदनी माली, काजल वैष्णव, चित्रांश पायल राठौड़, सुमन माली, रामकिशन बलाई, रोशन गुजर, कांता कंवर को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय शिविर के छठे दिन लगभग 175 छात्र छात्राओं ने हरणी की पहाड़ी और स्मृति वन का अवलोकन कर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मृदा संरक्षण के बारे में जाना और कई प्रश्नोत्तरियों के तहत इन्होंने उत्तर दिया। इंटेक यानी भारतीय सांस्कृतिक निधि की तरफ से 15 विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। हर वर्ष इनका इस शिविर होता है। पर्यावरण, वन्य जीव के साथ साथ विरासत और पर्यटन और हेरिटेज बचाने की सीख दी गई और पॉलिथीन का थैलियों का यूज नहीं करें इसके लिए इनको बताया गया और गर्मी के दिनों में दाना और पानी के लिए परिंडे लगाने की भी बात कही गई। माडलगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान एक इको कार से डोडा चूरा जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। माडलगढ़ पुलिस ने बताया कि थाना प्रभारी गणेशराम गश्त पर थे। इस दौरान गिनोली सरहद में पुलिस ने एक इको कार को रोका, उसमें 3 लोग बैठे मिले। पुलिस ने तीनों को डिटेन कर पूछताछ की तो इन लोगों ने खुद को धावड़ा कुड़ा निवासी भेरू भील, कोठू मीणा व बाबू मीणा बताया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 2 कट्टों में 38 किलो डोडा पोस्ट मिला, जिसे कार सहित पुलिस ने जब्त कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपितों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। शाहपुरा नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थापना दिवस दिलखुशाल बाग बालाजी मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण कर मनाया गया। तत्पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में PCC सदस्य संदीप जिनकर, DMFT सदस्य राजकुमार बैरवा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद तोशनीवाल, महात्मा गांधी अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक अविनाश शर्मा, पूर्व पालिका उप चेयरमैन मधु पौंड्रिक आदि उपस्थित रहे। भेरूलाल लक्षकार की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गुना में डंपर बस भिड़ंत में 13 लोग जिंदा जले। पिरोड़ा बाईपास पर अलास्का होटल के निकट आगे चल रहे वाहन से टकरा, ट्रक चालक की मौत। शाहपुरा CMHO चावला ने किया अस्पताल का निरीक्षण, बेडशीट व सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी। पूर्व सांसद रमेश चंद्र व्यास की पुण्यतिथि पर की पुष्पांजलि अर्पित। डॉक्टर सतीश पांड्या के पुत्र की हार्ट अटैक से मौत। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।